अयोध्या राम मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थीं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इसके साथ ही 23 जनवरी से मंदिर के कपाट सभी के लिए खोल दिए गए। इसके बाद से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा और पहले ही दिन 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सोशल मीडिया पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये चर्चा चलती रही कि क्या पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन भी अयोध्या आएंगी, जबकि प्राण प्रतिष्ठा में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब अयोध्या में जशोदाबेन की एंट्री हो चुकी है। जशोदाबेन न सिर्फ रामलला के दर्शन करेंगी, बल्कि बड़ी बात यह है कि वह नवनिर्मित सीता मंदिर का उद्घाटन भी करेंगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस बारे में छावनी पीठाधीश्वर के मुताबिक सीता मंदिर 9 मंजिल का बहुत ही भव्य मंदिर होगा। इस सीता मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास जशोदाबेन करेंगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अयोध्या में सीता मंदिर का शिलान्यास जशोदाबेन को ही करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।